ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। दूजे पासे हरियाणा विच राम रहीम दी अपील उत्ते सफाई मुहिम चलाई गई। अंबाला दे विच इस मुहिम विच जिथे अंबाला दे विधायक असीम गोयल ने हिस्सा लिया, उत्थे ही करनाल दे विच मेयर अते डिप्टी मेयर शामिल होए। इस मुहिम विच डेरे दे समर्थक भी वड्डी गिनती दे विच सन। एक बहुत ही मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण और नेक पहल डेरा सच्चा सौदा द्वारा की गई, और समय समय पर डेरा सच्चा सौदा ने जो सामाजिक कार्यों के अंदर अच्छे काम करने के अंदर जो ये एक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मैं आज पूरी साध संगत जी का और गुरु जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने आज पूरे हरियाणा में 135 तहसीलों को चुना, उसमें अंबाला शहर भी है। लगभग 25 से 30 हज़ार साथी आज अंबाला शहर के अंदर इस सफाई की व्यवस्था को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और जिस नाते डेरा का एक स्लोगन भी है कि हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, यानी अपने आप में एक मैसेज है सफाई से स्वास्थ्य का भी देने की जो कोशिश डेरा द्वारा की जा रही है। डेरे दे प्रोग्राम विच एक वीडियो विच हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दी सियासी सलाहकार कृष्ण बेदी अते राज्यसभा मेंबर कृष्ण पवार राम रहीम नाल ऑनलाइन जुड़े नजर आए। दस दिए कि राम रहीम नू 21 जनवरी नू 40 दिन दी पैरोल मिली सी। आखिरी बार ओ अक्टूबर महीने दौरान पैरोल ते आए सन। 3 महीने तो भी पहला मिली इस पैरोल उत्ते कई लोगों ने सवाल चुके ने। अंबाला तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।